ओके सो चलिए अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी का, तो उसी तरीके से उसी का मतलब हुआ कि एनर्जी जो है कंजर्व है। ओके, तो एनर्जी कंजर्व है तो क्या है लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि भैया एनर्जी और मास दोनों ही नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कभी भी क्रिएट नहीं होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बस एनर्जी का तो ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते चले जाती है। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया था, ट्रांसफर होना एक और बहुत सारी एनर्जीज का बताया था, तो वो जरूर देख लेना लास्ट लेक्चर। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक एग्जाम्पल से, समझते हैं कि कैसे कंजर्व होता है, तो कोई भी चीज़ कंजर्व कैसे रहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने बोला जैसे नॉर्मली ठीक है, फिजिक्स से हट के नॉर्मली डेली लाइफ के हिसाब से बोला मैंने कि ए इंटू बी जो है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कंजर्व है। ठीक है, ए और बी का कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट होना, कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट होना। मैंने बोल दिया ए और बी का प्रोडक्ट जो है कंजर्व है, इसी का मतलब हुआ कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब एक एग्जांपल, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, तो कोई भी वैल्यू आप ले लो, मान लिया आपने कि 30 ले लिया आपने कि चलो ए और बी का प्रोडक्ट माना 30 है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंडीशन आपको दे दी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि कांस्टेंट है, तो आपने एक वैल्यू ले ली 30 मान लिया, तो ये हमेशा 30 रहेगा आपके हिसाब से। मैंने बोल दिया कि मानो आपने बोला ये है सर क्वेश्चन, तो मैंने बोला कि चलो बताओ ए की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 5 रखो तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 6 30 इजी। ठीक है, अब मैंने अगर बोल दिया कि बी की वैल्यू 5 रखो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बी की वैल्यू अगर 5 रखा तो ए की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि वापस से हमको ये 30 था तो 6 5 जा भी कितना होता है 30। ठीक है, तो मतलब क्या कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में क्या था, पहले इसका 5 था ठीक है और ये 6 था। अगर अब आप अगले कंडीशन में क्या कर दिया हमने कि बी की वैल्यू को कम कर दिया, बी की वैल्यू को अगर कम किया तो ए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बी की वैल्यू को अगर कम किया तो ए बढ़ जाएगा, ए की वैल्यू को कम किया तो बी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अगर दोनों को बढ़ाओगे तो फिर 30 से ऊपर चले जाएगा, दोनों को कम करोगे तो 30 से नीचे आ जाएगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला ऑटोमेटिक कम होगा, ये होता है कंजर्वेशन। इस तरीके से फिजिक्स में आपको समझना है, कोई भी फॉर्मूले में आपको बोल देगा ऐसे तीन दिया, ये फॉर्मूला ही मान लो कि जैसे कोई सा फॉर्मूला ले लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें आपको दे देगा। ठीक है, इसमें आपको दे देगा कि भैया एक मतलब ये कंजर्व है, या फिर इस तरीके से कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। तो इस तरीके से ये रिलेशन देखना है कि एक के बढ़ने पे दूसरे का घटना होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के केस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के केस में क्या हो जाएगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बाकी इनवर्स में क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस तरीके से रिलेशंस देखना आना चाहिए अभी से, क्योंकि हायर स्टडीज़ में आपको ये बहुत काम देने वाला है, कॉम्पिटिटिव की लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। चलिए, तो अब एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, ये हुई छोटी मोटी बातें। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे ये बॉल है, ये आपका हुआ ग्राउंड, क्या हुआ ग्राउंड। ठीक है, लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे टोटल, ठीक है, 20 15। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, ये है कुछ हाइट पे, ये जो बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है, ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चलिए मान लिया कि इस हाइट पर इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी है, 20 जूल मान लिया।
यहाँ पे कंजर्वेशन देखना है हमको, मैग्नीट्यूड पे इतना मत जाओ, कंजर्वेशन देखना है कि कंजर्व कैसे हो रहती है एनर्जी कोई भी। मैंने क्या बोला था, कंजर्व रहती है मतलब क्या कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर कोई एनर्जी है तो अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेगी, बाकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो इस हाइट पे है, मान लो कोई एच हाइट पे है, उसके बाद इस हाइट पे इसके पास एनर्जी कितनी है, 20 जूल। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये रेस्ट में है, कौन सी पोजिशन में है, रेस्ट पोजिशन में है ये। समझ में आ गई बात। तो रेस्ट में है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसके पास, नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी के पास ही रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टोटल कितनी हुई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 20 जूल। बात समझ में आ गई है, 20 जूल। ओके, सो अब कम हाइट पे आई, मतलब यहाँ से बॉल चालू हो गई, मोशन में है, बॉल नीचे जा रही है, यहाँ से भी नीचे जा रही है, यहाँ पे भी नीचे जा रही है, यहाँ पे जस्ट ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड पे बस टच होने वाली है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे कम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, तो हाइट में कमी आई तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कमी आ गई। तो मान लिया कि इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है, कितनी है, 15 जूल, ठीक है। इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है, तो भैया क्या हुआ सर, आपने तो बोला था कंजर्व रहती है, तो हमारे पास तो 20 से 15 पे आ गई, तो 5 जूल एनर्जी कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई 5 जूल, तो वो ट्रांसफर हो चुकी है, इसने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों भैया सर, कैसे, ये कैसे पता चला, तो ये ऐसे पता चला क्योंकि इसके पास मोशन है, मोशन है, ठीक है, ये मोशन में, ये मोशन में, ये मोशन में, ये मोशन में, ये मोशन में है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी। तो 5 कम हो गई है 20 में से, 5 कम हुई तो 15 आया, तो 5 कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर अब इसका टोटल देखो, तो टोटल कितना आ रहा है, 20 जूल। कुछ समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी आ रहा है। चलिए, तो अब और नीचे आई, और नीचे आई तो और एच कम हो गया, एच पहले बहुत ज़्यादा था, फिर इतना हो गया, फिर अब इतना हो जाएगा, तो एच और कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और कम होगी। मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी 10 जूल, 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो सर अब तो हमारी पहले 20 थी, फिर 15 हुई, फिर 10 हो गई, तो मतलब और कितनी कम हो गई पोटेंशियल एनर्जी, 20 से 10 पे आ गई है, मतलब 10 जूल कम हो गई है। तो अब यहाँ पे 10 जूल कौन सी होगी, इस केस में इस पोजीशन पे 10 जूल अगर पोटेंशियल है तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है, क्योंकि रफ्तार। अब बोलोगे आप कि सर ये तो समझ में आ रहा है, पर आपने बोला यहाँ मोशन है, यहाँ भी मोशन है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ रही है क्योंकि नीचे जा ही क्यों रही है कोई बॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉल है क्या, फॉल इन लव विथ ग्रेविटी। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये फॉल हो रही है, फॉल किसके कारण हो रही है, स्मॉल जी के कारण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन है कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन अगर आ गया है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, मतलब हर सेकेंड कुछ मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है एक फिक्स रेट पर। समझ में आ रही बात, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv². तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, देन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों का टोटल देख लो, 10 10 20 जूल। ओहो, समझ में आ रहा होगा, 20 20 20, समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर और हाइट कम हो गई ग्राउंड से, पहले इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर अब इतनी, तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, तो 10 से हो गई 5 जूल। 5 जूल हुई तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन कंटिन्यू लगते जा रहा है, जिससे कि वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगी, तो 10 से हो गई 15 काइनेटिक एनर्जी, 15 जूल आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ जूल, ठीक है, ये भी जूल, बहुत बढ़िया। तो टोटल करने पे 20 जूल आ गया भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये जस्ट ग्राउंड पर हिट करने से पहले की कंडीशन है, ओके।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो, बस जीरो होने ही वाली है। तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहां पे बॉल की मैक्सिमम हाइट रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, जिसके कारण मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल, एंड द टोटल इज 20 जूल। मतलब किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, किसी भी पॉइंट पे पर जो बॉल के पास टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज कितनी है, 20 जूल। मतलब एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, एनर्जी हमारी कंजर्व है। उसने भले ही दो फॉर्म ले लिए हैं, पहले पोटेंशियल थी, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों फॉर्म थे उसके पास, आखिरी में पोटेंशियल पूरा खत्म हो गया था, काइनेटिक था। तो कुछ भी हो, एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एनर्जी इज इक्वल, ठीक है, मतलब कंजर्व, कांस्टेंट, हमेशा से हमेशा कांस्टेंट चलते आ रहा है। तो इस तरीके से होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसका, किस फॉर्म में देख लिया हमने, एक मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के फॉर्म में देखा हमने, बॉडी फॉल इन लव विथ ग्रेविटी, ठीक है, ये लव वो मत लिखना एग्जाम में, ओके। तो अब एक सिंपल पेंडुलम का एक एग्जाम्पल देखा जाए, उसमें भी कुछ समझ में आएगा, उसको देख लेते हैं, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है ये देखा जाए। तो पहली बात तो ये, इसका डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं। ये होती है एक रिजिड सरफेस, आपने देखा होगा पेंडुलम को जहां पे हैंग किया जाता है, ऊपर जो सरफेस है वो रिजिड सरफेस रहती है, जिससे कि ये हैंग रहता है। ये पेंडुलम, जैसे ये क्या है आपका, थ्रेड है, ये थ्रेड है, इसको बोलते हैं बॉब, बॉब, ये थ्रेड हुआ, ये बॉब हुआ, रिजिड सरफेस हुई, और ये जो डॉटेड है ये पूरा इसका मोशन बता रहा है कि इस पाथ पर ये मोशन करता है, और ये जो है ये मतलब ये ओरिजिनली अभी ये बॉब यहाँ पे है, ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तीन पोजीशंस पर उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से कौन सी एनर्जी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, यहाँ से बॉब को हमने छोड़ा, तो ये हुआ पेंडुलम का जो मोशन है, पेंडुलम का वो मोशन चल रहा है, ठीक है। तो इस मोशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर हमने इसको मान लो होल्ड करके रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट पर था और इसके पास एनर्जी होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, कितनी भी हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके। सो अब हमको समझना है कि यहाँ से जैसे इसको हमने छोड़ा, वैसे वैसे इसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है, हाइट एकदम कम होते जा रही है। तो मतलब क्या कि इसको छोड़ा जैसे, तो हाइट कम हो रही, मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो हमको पता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है, तो कहीं ना कहीं दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन सी एनर्जी। फिर हमने दिमाग लगाया, अरे अरे तो हाइट पे दी, पहले हाथ पकड़ा हुआ था इसको, हमने रोका हुआ था, जैसे बॉब को छोड़ा, बॉब मोशन में आ गया, भैया वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इस पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। इस पोजीशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जो इस बीच में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज है इस पाथ में। यहां पे हमने देखा हाइट पूरी कम हो गई, मतलब टेंस टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी पूरी खत्म, तो कौन सी बची, काइनेटिक एनर्जी बची इसके पास, तो इस पोजीशन पे हो गई इसके पास काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छे समझ में आ गया। फिर ये जाएगा ऊपर, तो देखा हमने यहां से जैसे ये ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 जा रही है, और हाइट अपने आप बढ़ते जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इस पोजीशन पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट, क्योंकि यहां से ये रिवर्स मारेगा, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर रिवर्स तो मारता ही है, तो इस हाइट पर जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब ये रेस्ट में आ गया, अब ये रिवर्स मारेगा वापस, तो वैसे वैसे वापस यही वाली जो प्रोसेस होगी वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, काइनेटिक बढ़ते जाएगी, जब इधर से जाएगा तो काइनेटिक कम होते जाएगी, पोटेंशियल बढ़ते जाएगी। मतलब मेरा इतना है कि पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, सभी कोई सी भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का सम जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा हमेशा, क्योंकि एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। कोई सा भी फंडा हो, तो हमने सिंपल पेंडुलम देख लिया, एक देखा था बॉल फ्रीली फॉलिंग इन फॉल इन लव विद ग्रेविटी वाला केस जो था वो देख लिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से होता है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।